दीपक सर जी के में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल के 2020 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है 17 मार्च का, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। मेरे पास कुछ जीके और जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें कुछ करंट अफेयर भी होंगे और साइंस का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो वो क्वेश्चन है जो अभी अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही बच्चे लोग जो एग्जाम निकले उससे पूछ के मैंने बनाया है क्वेश्चन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसका आने वाला समय में एग्जाम है, जैसे कि 18, 19, 20 को जिसका भी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार था। पहला क्वेश्चन था, किस विदेशी दूत ने अपने अपने को भागवत घोषित किया था? भागवत घोषित किया था, बताइए किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? तो किसने घोषित किया था? हेली ओडोरस ने। हेली ओडोरस ने, किसने? हेली ओडोरस ने घोषित किया था अपने आप को भागवत, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक या लेखिका कौन है? तो किरण देसाई है। कौन है? किरण देसाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कलिंग पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुस्तक दिया जाता है। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुस्तक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? तो लोसाने है। लोसाने है, कहाँ है? लोसाने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एडम स्मिथ ने लिखी है। किसने? एडम स्मिथ ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव थे। कौन थे? गणेश वासुदेव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में स्थित है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है, जो विद्याशक्ति प्राचीन भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस संस्थापक ने थे? विद्याशक्ति प्राचीन भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस संस्थापक थे? तो वाकाटक थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों के लिए, विली विली चक्रवात किस देश से संबंधित है? विली विली चक्रवात जो हाल फिलहाल में ही था, ये करंट का है, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी में है? किस नदी पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। कहाँ? सेंट लॉरेंस नदी पर निग्रा जलप्रपात स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिपकीला द्वारा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिपकीला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है, ठीक है, सिक्किम में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिस निम्न में से कौन सा कोयला उत्पादन क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है? तो आपको डल्ली राजरा अरुणाचल प्रदेश, डल्ली राजरा अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, सम्मिलित नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या कुल कितनी जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 68.8, मतलब ग्रामीण जनसंख्या आपको कुल 68.8% है पूरे भारत की जनसंख्या से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खासी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? खासी जनजाति आपको भारत के मेघालय राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भारत के मेघालय राज्य में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में बोले जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी बोली कौन सी है? भारत में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी बोली कौन सी है? तो मराठी है। तीसरी सबसे बड़ी बोली मराठी बोली जाती है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे क्या है, निम्न में से किस स्थान पर शंकराचार्य द्वारा निर्मित मठ स्थित नहीं है? तो केदारनाथ में। इसमें आपको इसका आंसर हो जाएगा, केदारनाथ में शंकराचार्य द्वारा निर्मित मठ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है? तो यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत 46% है। कितना है? 46% होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा एसिड एसिड पदार्थ पाया जाता है? सिरका में कौन सा एसिड पदार्थ पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड। कौन सा पदार्थ? एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट पर पानी डालने पर, कैल्शियम कार्बोनाइट पर पानी डालने पर के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उत्पादन होता है? एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। किसका? एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट आपका जो SSC CGL ने पूछा गया क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ आप लोग जो जो एग्जाम देके गए आए होंगे तो वो मिला लिए होंगे जो कितना सही है। जिसका भी जितना सही है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी मैंने सिर्फ GK GS और साइंस का क्वेश्चन इसमें डाला है। कुछ समय के बाद आपके लिए मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा यहीं पर इसी क्लास में। तो आप लोग देखते रहे मेरे क्लास को और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो आपको बैक टू बैक एग्जाम एनालिसिस मिलता रहे। और यहाँ पर मेरे क्लास में तैयारी भी कराया जाता है कंपटीशन का, तो यहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।